एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त से हो जाएगा। इस बार ये महाद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में टीम इंडिया प्रबल दावेदार के तौर पर उतरेगी। टीम इंडिया के नाम आखिरी बड़ा टूर्नामेंट 5 साल पहले आया था, जब उसने एशिया कप पर कब्जा जमाया था। उसके बाद टीम बड़े टूर्नामेंट में फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन खिताब से उसकी दूरी बनी ही रही। इन 5 सालों में टीम को महत्वपूर्ण नॉकआउट खेलों में लड़खड़ाते हुए देखा गया है। हालांकि टीम इंडिया इस बार अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रही है। रोहित शर्मा की टीम को नेपाल और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है और वे 2 सितंबर को कोलंबो में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस साल के आखिर में वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम कहां खड़ी है, इसका आकलन करने के लिए एशिया कप एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होगा। रोहित शर्मा टीम को लीड करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या उनके डिप्टी होंगे। शुभमन गिल मौजूदा समय में भले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हों, लेकिन वह फॉर्म से बाहर नहीं है। सलामी बल्लेबाज इस साल वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जहां उन्होंने 2023 में अब तक 750 रन बनाए हैं। बात करें विराट कोहली की, तो वह इस साल वनडे में 427 रनों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। उनकी एशिया कप में नंबर 3 पर ही बैटिंग करने की उम्मीद है। उनके बाद बैटिंग ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव के आने की संभावना है। तिलक वर्मा को पहली बार भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है और वो मिडिल ऑर्डर में पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की वापसी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन दोनों का फिटनेस लेवल देखना दिलचस्प होगा। पेसर जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी से बॉलिंग डिपार्टमेंट को बढ़ावा मिला है और स्पष्ट रूप से मैन इन ब्लू ताकतवर नजर आ रही है।